हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अपने अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत रुचिरा। उसके अंदर नवम पाठ जिसका नाम है सप्त भगिन्या, यानी कि सप्त कहते सा और भगिन्या यानी कि बहन, सात बहन। चलो इस पाठ के बारे में जानते हैं, देखते हैं और सीखते हैं। पाठ का परिचय। सप्त भगिनी यह एक उपनाम है। उत्तर पूर्व के सात राज्य विशेष को उक्त उपाधि दी गई है। इन राज्यों का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यंत विलक्षण है। इनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषता को ध्यान में रखकर यह पाठ लिखा गया है। चलो देखते हैं इस पाठ के बारे में। अध्यापिका सुप्रभातम, अध्यापिका कहती है सुप्रभातम यानी कि प्रातः काल। शुभो तभी सारे छात्र कहते हैं। देखो छात्र यानी कि एक विद्यार्थी और छात्राः यानी कि अनेक विद्यार्थी। यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ छात्राः। आप अगर चाहो तो किसी भी वाक्य से व्याकरण निकाल सकते हो, कहीं पर भी सारी जगह पे व्याकरण। छात्र यानी एक बच्चा, छात्राः यानी कि कई सारे बच्चे, बहुवचन। तो यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हुआ छात्राः। सुप्रभातम, सुप्रभातम यानी कि छात्राएं कहते हैं सुप्रभातम, सुप्रभात। तदा अध्यापिका उक्तम भवतु अद्य किं पठनीयम्। अध्यापिका कहती है ठीक है, आज क्या पढ़ना है। तदा सर्वे छात्राः उक्तम यानी कि तभी सभी बच्चे कहते हैं, क्या कहते हैं, वयम सर्वे देशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम इच्छामः। देखो यहाँ पे ज्ञातुम इच्छामः, यहाँ पे भी संधि हो जाती है, ज्ञातुम इच्छामः। तो छात्र क्या कहते हैं कि भाई हम सभी अपने देश के राज्यों के विषय में जानना चाहते हैं। आगे क्या हुआ। अध्यापिका शोभनम वदतु अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। अध्यापिका कहती है भाई सुंदर है, बोलो हमारे देश में कितने राज्य हैं। तदा साहिरा उक्तम चतुर्विंशति महोदय। हे महोदय, हे श्रीमती जी, 24। चतुर्विंशति 24। तदा सेल्वे उक्तम नहीं नहीं महाभागे, पंचविंशति राज्यानि सन्ति। नहीं नहीं महोदय, 25 राज्य है। तदा अध्यापिका उक्तम अन्य कोपि, और कोई भी, स्वरा मध्य एव यानी कि स्वरा बीच में ही, महोदय महोदय मे भगिनी कथयति यद अस्माकं देशे अष्टविंशति राज्यानि सन्ति। यानी कि हे महोदय, मेरी बहन कहती है कि हमारे देश में 28 राज्य है। एतदतिरिच्य सप्त केंद्र शासित प्रदेशाः अपि सन्ति। यानी कि इसके अलावा, एतदतिरिच्य यानी कि इसके अलावा सात केंद्र शासित प्रदेश भी है। तदा अध्यापिका उक्तम, तब अध्यापिका कहती है सम्यक जानाति ते भगिनी, यानी कि तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीयम् यूयम् यद्येतेषु राज्येषु सप्त राज्यानां एकः समवायो अस्ति यः सप्त भगिन्यः इति नाम्ना प्रथितोऽस्ति। पहले तो अध्यापिका ने क्या कहा, पहले सम्यक जानाति ते भगिनी यानी कि तुम्हारी बहन ठीक जानती है। भवतु अपि जानीयम् यानी कि क्या तुम सब जानते हो, यूयम् यानी कि तुम सब, यद यद एतेषु, यद एतेषु उसकी संधि हुई, यद एतेषु, तो क्या तुम सब जानते हो कि इन राज्यों में से, एतेषु यद यानी कि इन, एतेषु राज्येषु इन राज्यों में से सप्त राज्यानां यानी कि राज्यों में सात राज्यों का एक समवायो अस्ति, एक समूह है, या सप्त भगिन्या जो सात बहनों के नाम से प्रथितोस्ति यानी कि प्रसिद्ध है। सर्वे साश्चर्यम् परस्परम् पश्यतः, यानी कि आश्चर्य से सभी लोग एक दूसरे को देखते हुए, सप्त भगिन्या सात बहन, सात बहन। निकोलसः इमानि राज्यानि सप्त भगिन्या इति किमर्थं कथ्यते। किसी के मन में प्रश्न हुआ तो निकोलस है, उसने भाई खड़े होकर कहा ये राज्य सात बहने इस नाम से क्यों जाने जाते हैं। आपके भी मन में प्रश्न हुआ ना, हाँ तो बोल देना चाहिए।
तो निकोलस ने कहा कि भाई ये राज्य सात बहनों इस नाम से क्यों जाने कहे जाते हैं। तदाध्यापिका प्रयोगो अयम प्रतीकात्मको वर्तते, यह प्रयोग प्रतीक के रूप में ही है। कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य नाम साम्यत इमानी उक्तोपाधितानि प्रतितानि, यानी कि शायद सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण की समानता के कारण यह उपर्युक्त यानी कि उपर्युक्त ऊपर दिया गया नाम, क्या नाम दिया गया ऊपर, सप्त भगिनी यानी कि सात बहन, तो यह उपर्युक्त नाम से प्रसिद्ध है। तदा समीक्षा उत्तम कौतूहलम में न खलु शांति गच्छति, मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है। श्रावयतु तावत् यत् कानि तानि राज्यानि, अब तो मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। ये कौन बोलता है, समीक्षा। समीक्षा कहती है कि अब मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हो रही है तो सुनाइए यानी कि बताइए कि भाई वे कौन कौन से राज्य है। आगे क्या हुआ, अध्यापिका श्रोता यानी कि सुनो, तब अध्यापिका है वो एक श्लोक बोलते हैं। देखो पहले के समय में यानी कि संस्कृत भाषा की हम कहें ना कि भाई संस्कृत भाषा में यही है बात कि कोई भी चीज आप सरलता से सीख सकते हो। देखो ये जो सात सप्त भगिनियां है यानी कि जो सात अलग अलग नाम है वो कैसे याद रखवाने के लिए संस्कृत भाषा में एक श्लोक है, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मत। अद्वयम यानी कि असे प्रारंभ होने वाले दो, मत्रयम म से आरंभ होने वाले तीन, न त्रियुक्तम यानी कि न एवं त्रि से युक्त दो राज्य, सप्त राज्य समूहोयम यानी कि सात राज्यों के समूह में भगिनी सप्तकम मत यानी कि सात बहनों के रूप में माने जाते हैं। देखो ये कितना सरल श्लोक है, अद्वयम मत्रयम चैव न त्रियुक्तम तथा द्वयम, सप्त राज्य समूहोयम भगिनी सप्तकम मतम, इत्थं भगिनी सप्त के इमानी राज्यानि सन्ति, यानी कि इस प्रकार सात बहनों के रूप में ये राज्य है। कौन कौन से राज्य, अद्वयम पहले तो असे दो, अरुणाचल प्रदेश असम, असे दो राज्य की बात हुई अरुणाचल प्रदेश और असम, अद्वयम बाद में क्या हुआ मत्रयम यानी कि म से तीन, मणिपुरम मिजोरम मेघालय, म से तीन असे दो म से तीन मणिपुरम मिजोरम मेघालय, न त्रियुक्तम यानी कि एक न से और एक च से एक त्र से, न से नागालैंड और त्र से त्रिपुरा चेति, यानी कि ये सारे राज्य हुए कौन कौन से, अद्वयम अरुणाचल प्रदेश असम, मत्रयम मणिपुर मिजोरम मेघालय, न त्रियुक्तम न से नागालैंड त्रि से त्रिपुरा, ये हुए सात राज्य। जबकि यानी कि यद्यपि क्षेत्र परिमाणे इमानी लघुनि वर्तन्ते, यानी कि जबकि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से ये छोटे हैं तो भी तथापि गुण गौरव दृष्टिया बहुतराणि प्रतियन्ते, यानी कि तो भी गुण और गौरव के महत्व की दृष्टि से ये सारे राज्य बहुत ही बड़े प्रतीत होते हैं। सर्वे कथम कथम कैसे कैसे वो भी हमें बताइए, हमें अब तो उत्सुकता हमारी बढ़ गई है कि भाई कैसे। तदा अध्यापिका उत्तम, तब अध्यापिका कहती है इमा सप्त भगिन्यः स्वीये प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीना इव दृष्टा, यानी कि ये सात बहन यानी कि जो सात राज्य है अपने प्राचीन इतिहास में प्रायः यानी कि पहले ही स्वतंत्रता ही देखी गई है। न केनापि शासकेन इमा स्वायत्ति कृता, यानी कि किसी भी राजा ने इन्हें अपने अधीन नहीं किया, पहले से ही स्वतंत्रता रही थे ये राज्य। अनेक संस्कृति विशिष्टायाः भारत भूमो एतासां भगिनीनां संस्कृति महत्वधायिनी इति, यानी कि अनेक संस्कृति की विशेषता से युक्त भारत भूमि में इन बहनों की संस्कृति महत्वपूर्ण है। तदा तन्वी उक्तम, फिर क्लास में से तन्वी करके लड़की थी वो बोलने लगी, अयम शब्द सर्वप्रथम कदा प्रयुक्त, यह शब्द सबसे पहले कब प्रयुक्त हुआ यानी कि प्रयोग में आया सप्त भगिनियां ऐसा शब्द। तदा अध्यापिका
श्रुत मधुर शब्द यानी कि सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सर्वप्रथम विगत शताब्दस्य द्विसप्तति तमे वर्षे, यानी कि सुनने में मीठा लगने वाला यह शब्द सबसे पहले पिछली शताब्दी के द्विसप्तमी यानी कि 72वें वर्ष में यानी कि 1972 तो द्विसप्ततितम वर्ष यानी कि 72वें वर्ष में त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे यानी कि त्रिपुरा राज्य के उद्घाटन के समय में केनापि प्रवर्तितः, उस समय में किसी ने प्रयोग किया था यानी कि शुरू किया था। अस्मिन्नेव काले एतेषां राज्यानां पुनः संघटनं विहितम्, यानी कि इसी समय इन राज्यों का फिर से गठन हुआ। तदा स्वरा उक्तम अन्य किमपि वैशिष्ट्यम अस्ति एतेषां, इनके और दूसरी भी कोई विशेषता है तो वो भी हम बताइए, वो भी हम जानने के लिए उत्सुक हैं। तदा अध्यापिका उक्तम नूनम अस्ति एव, निश्चित रूप से है पर्वत वृक्ष पुष्प प्रभृति भी प्राकृतिक संपद भी सुसमृद्धानि सन्ति, मानि राज्यानि यानी कि पहाड़ पेड़ आदि प्राकृतिक संपत्तियों से ये राज्य भरे हुए यानी कि समृद्ध है। और उसके साथ साथ ही भारत वृक्षे च पुष्पे स्तबक शत्रुषानि विराजन्ते तानि, यानी कि उसके साथ साथ ही भारत वर्ष रूपी वृक्ष पर ये फूलों के गुच्छों की तरह शोभा पा रहे हैं। तदा राजी महोत्तम भवति, हे महोदय, हे महोदया, गृहे यथा सर्वाधिकारण्या मनोरमा च भगिनी भवति, यानी कि जैसे घर में सबसे अधिक प्यारी और मन को अच्छी लगने वाली सुंदर बहन होती है भगिनी यानी बहन, तथैव भारत गृहेपि सर्वाधिकारण्या इमा सप्त भगिन्यः सन्ति, तो उसी तरह से वैसे ही भारत रूपी घर में भी सबसे अधिक यानी कि प्यारी यह सात बहने हैं। तदा अध्यापिका उक्तम मनस्यागता ते इयम् भावना परम कल्याणमयी परम सर्वे न तथा अवगच्छन्ति, तुम्हारी समझ में यह अति कल्याणकारी भावना आ गई परंतु सभी वैसे नहीं जानते यानी कि सभी ऐसे नहीं सोचते आपके जैसे। अस्तु तावत एतेषां विषये किंचित वैशिष्ट्यमपि कथनम्, ठीक है तो इनके विषय में कुछ विशेषता की भी कहानी है, सुनिए ना आप सब, ठीक है सुनते चलो। सा वहित मनसा श्रुणुत जन जाति बहुल प्रदेशोय, यानी कि सावधान मन से सुनिए यह प्रदेश जन जातियों से युक्त है, गारो खासी नगा मिजो प्रभुतय बहव जनजातिया अत्र निवसन्ति, यानी कि गारो खासी नगा मिजो आदि बहुत सी जनजातियां अत्र यानी कि यहाँ पर निवास करती है। शरीरेण ऊर्जस्विना यानी कि शरीर से शक्तिशाली एतद् प्रादेशिका बहुभाषा भी समन्विता, इस प्रदेश के निवासी बहुत भाषाओं से युक्त पर्व परंपरा भी परिपूरिता यानी कि पर्वों की यानी कि उत्सवों की परंपराओं से भरे हुए, स्वलीला कला विश्चरणाता सन्ति यानी कि अपनी क्रिया और कलाओं में कुशल है। तदा मालती उक्तम महोदय तत्र तु बहुसा वृक्षा अपि प्राप्यन्ते, हे महोदया वहां तो बांस के पेड़ भी पाए जाते हैं। तदा अध्यापिका उक्तम आम यानी कि हाँ प्रदेश इसमें हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते, यानी कि इस प्रदेशों में हस्तशिल्पों की बहुतायत है। आवस्त्र आभूषणेभ्य गृह निर्माण पर्यंतम यानी कि वस्त्रों और आभूषणों से लेकर घर को बनाने तक प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तुनां उपयोग क्रियते, यानी कि अधिकतर प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां यानी कि अधिकतर बांस के वृक्ष से बनी हुई वस्तुओं का ही उपयोग किया जाता है। यतो हि अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्य विद्यते, क्योंकि यहाँ बांस के वृक्षों की अधिकता है। सांप्रतम वंशोद्योगोयम अंतरराष्ट्रीय ख्याति अवाप्तोस्ति, यानी कि यह बांस का व्यापार यानी कि उद्योग अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रसिद्धि को भी
पाया जाता पा चुका है। तदा अभिनव भगिनी प्रदेशो यम बहु आकर्षक ज्ञायते, यानी कि अभिनव कहता है यह बहनों का प्रदेश तो अतीव बहुत सुंदर प्रतीत होता है। देखो सुनने में ये भाई इतनी सारी इसकी विशेषताएं, तो भाई ये तो सुनने से इतना इंटरेस्टिंग लगता है, ये तो देखने लायक प्रदेश है। तदा सलीम उत्तम किम भ्रमणाय भगिनी प्रदेशो यम समीचीन, तदा सलीम कहता है कि भाई क्या घूमने के लिए यह बहनों का प्रदेश उचित यानी कि उपयोगी है। तदा सर्वे छात्र यानी कि तब तो सभी छात्र जोर से उच्चे यानी कि जोर से महोदय आगमिनी अवकाशे वयम तत्रैव गन्तुम इच्छामः, यानी कि हे महोदया हे टीचर हे मध्य महोदय यानी कि टीचर अध्यापिका हे महोदया अगली छुट्टी में हम भी वहां जाना चाहते हैं। तदा स्वरा भवत्यपि अस्माभिः सार्धं चलतु, आप भी हमारे साथ चलो। तदा अध्यापिका रोचते मे अयम विचार, मुझे यह विचार अच्छा लगता है। एतानि राज्यानि भ्रमणार्थम स्वर्ग सा स्वर्ग शत्रुशाली इति, यानी कि ये राज्य तो भ्रमण के लिए स्वर्ग के समान है। तो आप सोचिए कि भाई इतने मस्त राज्य हम भी एक बार जाएंगे देखें। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद है।